हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल ब्रेव यूनिवर्स में। और आज मैं सर्किट मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, तो बने रहना लास्ट तक और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक मैकेनिक एक सर्किट बोर्ड को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। वह उसे ठीक करते करते काफ़ी टाइम लगा देता है, पर जब वो उसे ठीक कर लेता है वो उसमें एक कोड डालता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। पर वो जब बाहर निकलता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वापस से उसी कमरे में आ जाता है। वो फिर से उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो फिर से उसी कमरे में आ जाता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब एक बार फिर वो उसमें कोड डालता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो फिर से उसी कमरे में आ जाता है। अब वो दोबारा कोड डालकर वहाँ से चलने लगता है। वो चलना जारी रखता है, चलते चलते वो उस कमरे में दौड़ने लग जाता है। पर दौड़ने से भी उसे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा होता है और वो थक भी जाता है, इसलिए वो उसी कमरे में बैठ जाता है और सोच रहा होता है। तभी वो खड़ा होता है और उस कमरे से बाहर निकलने के लिए एक पेपर बॉल को बाहर फेंकता है, और वो पेपर बॉल बाहर जाने के बजाय उसके पीछे आके गिरती है। और ये चीज देख कर वो वापस से पेपर बॉल को एक दरवाजे से फेंकता है, और फिर पीछे से जब वो बॉल आती है तो उसे पकड़ लेता है। फिर वह सोचता है और एक दूसरी तरकीब लगाता है उस कमरे से बाहर निकलने के लिए। अब वो लेट कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसे सामने अपने पैर ही दिखाई दे रहे थे। इससे भी उसका कुछ काम नहीं बनता और वो लेट जाता है। सोचते सोचते वो काफी टाइम बिता देता है। फिर उसे याद आता है कि ये सब तब से शुरू हुआ है जब से उसने उस सर्किट को ठीक किया है, इसलिए वो उसे वापस से ठीक करने की कोशिश करता है। वो उस सर्किट को खोल देता है, पर वो जैसे उसे खोलता है वहाँ एक रोशनी चमकने लग जाती है और वो ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। आखिर में जब वो उसे ठीक कर देता है तो लाइट बंद हो जाती है। लाइट के बंद होते ही उसकी जान में जान आ जाती है। वो सर्किट को छूने जा ही रहा होता है तभी दरवाजा खुलता है, तो उसमें से एक नर्स, दो आदमी के साथ एक औरत भी निकलते हैं। वो उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर वो जैसे ही वहाँ से निकलता है वो वापस से उसी कमरे में आ जाता है। ये देखकर वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सामान को फेंक देता है। दरअसल ये एक टाइम लूप में फंस चुका है और इसे ये बात समझ नहीं आ रही होती है। और ये जैसे ही सर्किट को छूता है दोनों दरवाजे खुल जाते हैं और उन दरवाजों से बहुत तेज हवाएं निकलने लग जाती है, जैसे लगता है कि कोई आंधी तूफान आ चुका है। वो जैसे ही सर्किट को ठीक करता है हवाएं बंद हो जाती हैं, और तभी दूसरे दरवाजे से उसका हमशक्ल आता है और वो दोनों दूसरे को देख के दंग रह जाते हैं। दूसरा वाला वापस उस कमरे से निकलता है, लेकिन वो ये चीज देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो वापस उसी कमरे में आ जाता है। अब वो दोनों घबरा जाते हैं, पर पहले वाला उस दरवाजे को रोक देता है कि ताकि दूसरा वाला बाहर ना जाए। दूसरा वाला उसे डरने लगता है और एक कोने में जाके बैठ जाता है, पर पहले वाला वापस से उस सर्किट को ठीक करने की कोशिश करता है और वो अपने सारे कपड़ों को फाड़ने लगता है। वो अपने पैंट को भी फाड़ देता है और उन्हीं कपड़ों से एक दरवाजे से उस तार को बांध देता है और दूसरे दरवाजे से दूसरा सर्किट पकड़ने के लिए कोशिश करता है। और वो जैसे ही तार को छूता है उसे बहुत ही जोर से झटका लगता है और लाइट भी बंद हो जाती है। लाइट के बंद होते ही सब कुछ शांत हो जाता है, पर जैसे ही लाइट आती है दूसरा वाला लड़का जाग जाता है और पहला वाला बेहोश हो जाता है। दूसरा वाला ये देखकर डर जाता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है, और अब पहले वाले को भी होश आ जाता है और आखिर में इतनी कोशिशों के बाद वो भी इस कमरे से बाहर निकल जाता है और इस मूवी का एंड यहीं हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।